हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन सेशन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम पेज नंबर 35। सो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी स्टार्टेड द टॉपिक 2.6, दैट इज मिनरल्स, एंड वी रेड एंड अंडरस्टूड द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एंड आफ्टरवर्ड्स वी रेड द आयरन ओर एंड मैग्नीज ओर। सो स्टूडेंट्स, टुडे we will move further with the seventh part of this chapter with its continuation. So students, we have done till here. Today we are going to discuss from here. So our next mineral is mica. It is found in old metamorphic rock. It is layered, lighter and bright. It has insulating properties. It is used in many industries like pharmaceuticals, electric appliances, telephone, radio, aircraft, motor vehicle, etc. It means कि जो माइका है वो ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, यह लेयर्ड होता है, लाइटर मीन्स हल्का होता है और ब्राइटर, ब्राइटर मीन्स चमकीला होता है, लेयर्ड मीन्स होता है परतदार जिसपे परत चढ़ी होती है, और आपका लाइटर होता है मतलब हल्का होता है और चमकीला होता है, ठीक है। एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये कई सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, मींस कि फार्मास्यूटिकल्स, औषधि बनाने में हो गया आपका, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हो गया, टेलीफोन में हो गया, रेडियो हो गया, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, इन सब में इसका यूज किया जाता है। नाउ इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइका। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 26% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। इट मीन्स की माइका के प्रोडक्शन में इंडिया की सेकेंड पोजिशन है, ठीक है, माइका के प्रोडक्शन में इंडिया की सेकेंड पोजिशन है वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो माइका के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। वर्ल्ड का 26% माइका इंडिया से ही प्राप्त होता है। ओके, सो इन इंडिया माइका रिजर्व्स आर कन्फाइंड टू बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटक। बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। इट मींस कि भारत में माइका मेनली बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक इन स्टेट से प्राप्त होता है। इंडिया का 60% माइका बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है। डिपॉजिट्स ऑफ माइका ऑकर इन गया, मुंगेर और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट मींस कि गया, मुंगेर व हजारीबाग इन डिस्ट्रिक्ट में माइका के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में। द वर्ल्ड फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट व्हाइट माइका इज फाउंड इन बिहार। Therefore, the mica of Bihar is known as the ruby mica. It means कि बिहार का माइका स्वच्छता और सफेदी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है, इसलिए बिहार के माइका को रूबी माइका कहते हैं। That's why बिहार माइका is known as ruby mica. बिहार के माइका को रूबी माइका के नाम से जानते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। माइका इज फाउंड इन नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर एंड सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में माइका नीलगिरी, मदुरई, कोयम्बटूर तथा सलेम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये पाया जाता है माइका। इसके बाद अगर हम देखेंगे कहाँ पे आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर नेल्लोर, गुंटूर, विशाखापट्टनम एंड वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। हेयर द कलर ऑफ माइका इज ग्रीन एंड इजिली आइडेंटिफाइड। इट मीन्स कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर और विशाखापट्टनम तथा वेस्टर्न गोदावरी जिलों में माइका पाया जाता है, और यहाँ का माइका ग्रीन कलर का होता है और जल्दी ही पहचान में आ जाता है। नाउ इन राजस्थान इट इज फाउंड इन भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड पुन्नालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, महेंद्रगढ़ एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आल्सो हैव डिपॉजिट्स ऑफ माइका। इट मींस कि राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर और अजमेर में माइका पाया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, कर्नाटक के हासन तथा केरल के पुन्नालोर जिले में माइका पाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के नारनौल, महेंद्रगढ़ व गुड़गांव तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में भी माइका जो है पाया जाता है, माइका के डिपॉजिट जो है फाउंड होते हैं। Now the next mineral is the copper ore. Next is copper. Copper is found in metamorphic rock. Other metals like silver, tin, lead, gold, etc. are found, are also mixed with copper.
Copper is very flexible. It is red brown in color. It is good conductor of electricity and ductile. It means कि कॉपर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ चांदी, सिल्वर, टीन, लीड, सोना आदि मेटल्स इसमें मिली रहती हैं। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, रेड ब्राउन कलर में होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है और ये घिसावट को भी रोकता है। अदर मेटल्स व्हेन मिक्स विद कॉपर फॉर्म्स अ न्यू मेटल। जब भी इसमें कोई दूसरा मेटल जो है मिलाया जाता है तो एक नया मेटल ये फॉर्म करता है। देयरफॉर कॉपर इज कंसिडर्ड अ की मेटल। इसलिए कॉपर को की मेटल के नाम से कंसिडर किया जाता है। कॉपर इज यूज इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स एंड कॉइन्स। इसका यूज इलेक्ट्रिक केबल्स को मैन्युफैक्चर करने में, टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक मैन्युफैक्चरिंग में, इंस्ट्रूमेंट्स के मैन्युफैक्चर में, बर्तन और सिक्कों के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, आप इसको मार्क कर लेना। वर्ल्ड के कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इंडिया की थर्ड पोजीशन है। वर्ल्ड के कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इंडिया की कौन सी पोजीशन है? थर्ड है। मेजर डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन सिंगभूमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, अलवर, अलवर के बाद अगर देखा जाए झुंझुनू, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इंडिया कॉपर उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में झारखंड का सिंगभूमी, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, बांसावाड़ा एवं झालावाड़, ठीक है। ये कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है? राजस्थान के। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, गुंटूरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड कुल्लू एंड कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल, एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश का गुंटूरु, सिक्किम, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, उत्तराखंड का गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून, हिमाचल का कुछलू एवं कांगड़ा वैली और मध्य प्रदेश का बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है ये सारे हैं, ये सारे एरियाज जो है इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉक्साइट। तो नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट इज नॉन मेटेलिक मिनरल। ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। इट इज यूज इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम। इसका यूज एल्यूमिनियम को प्रिपेयर करने में किया जाता है। इंडिया प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड रिजर्व्स। इंडिया जो है वर्ल्ड के रिजर्व में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स 9th। लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया के रैंक 9th है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन रांची एंड पलामू ऑफ झारखंड, बालाघाट, जबलपुर एंड मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कोल्हापुर, थाने, बीड़, रत्नागिरी, सतारा एंड कोलाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये इंडिया में रांची और झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट, जबलपुर एंड मंडला मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर, थाने, बीड, रत्नागिरी, सतारा एंड कोलाबा महाराष्ट्र के इन डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। Now the next is gold. ये भी बहुत important है। It is a precious metal and it is used in manufacturing coins, jewelry, medicines and in chemical industries. ये एक precious metal है और इसका use coins manufacturing, jewelry, medicines और chemical industries में किया जाता है। India produces only 2% of world total gold. India में, भारत में world का केवल 2% gold का उत्पादन होता है, ठीक है। There are two sources of gold in India. India में gold के दो sources हैं। The first is auriferous lode deposits and the second is alluvial or detrite gold or placer deposits. तो ये दो sources हैं India में gold के। In Karnataka, it is found in Dharwad rock of Kolar district here. ठीक है, कर्नाटक के कोलार district में स्वर्ण धारवाड़ rock में मिलता है, ठीक है। Here Kolar is main mine. यहाँ पर जो Kolar है वो सबसे मेन माइन है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन माइन। इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट माइंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इज 2736 मीटर्स डीप, ठीक है। यह जो है संसार के डीपेस्ट माइंस में से एक है और इसकी गहराई जो है वो कितनी है? डीपनेस 2736 मीटर्स डीप है ये। कोलार गोल्ड फील्ड्स प्रोड्यूस 99% गोल्ड ऑफ द कंट्री। ओके, भारत का 99% गोल्ड कोलार की खदान से ही प्राप्त होता है। ओके,
गोल्ड फील्ड्स ऑल्सो आर इन रामगिरी इन आंध्र प्रदेश, वायनाड इन केरला, सेलम इन तमिलनाडु, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑकर इन झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ओलिवियल डेट्राइट गोल्ड इज फाउंड इन द सैंड ऑफ रिवर सुबानश्री, स्वर्णरेखा और झारखंड एंड सुबानश्री रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश के रामगिरी तथा तमिलनाडु के वायनाड, नीलगिरी एवं सेलम में भी स्वर्णकारी शैलें पाई जाती हैं। झारखंड के स्वर्णरेखा और अरुणाचल प्रदेश के सुबानश्री नदी की रेत से जलोढ़ सोना प्राप्त होता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डायमंड। इट इज़ वेरी प्रीशियस एलिमेंट। ये भी बहुत प्रीशियस एलिमेंट है, अनमोल एलिमेंट है। इट वॉज इनिशियली फाउंड इन इंडिया। ये शुरुआत में इंडिया में फाउंड किया गया था। कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड नोन। ठीक है, जो कोहिनूर डायमंड है वो इंडिया का, जो कोहिनूर डायमंड है वो विश्व विख्यात है, वर्ल्ड में नोन है, हर कोई जानता है इसे। इन इंडिया डायमंड माइंस आर इन पन्ना, सतना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखा जाए तो इंडिया में डायमंड की जो माइंस है वो मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। मध्य प्रदेश रैंक्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया। इंडिया में डायमंड्स के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अनंतपुर, गुंटूरू, कड़प्पा, कुरनूल, कृष्णा व गोदावरी जनपद ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश बेल्लारी जनपद ऑफ कर्नाटक। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन चंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड बांदा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, गुंटूरू, कड़प्पा, कुरनूल, कृष्णा व गोदावरी जनपदों तथा कर्नाटक के वेल्लरी जनपद में भी पाया जाता है। महाराष्ट्र में चांदा, ओडिशा में संबलपुर और उत्तर प्रदेश में बांदा और मिर्जापुर जिलों में भी हीरा मिलता है। तो इन सारे प्लेसेस में ये पाया जाता है। सो अदर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर सिल्वर, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, एल्मिनाइट, जिप्सम, जिंक, क्यूनाइट, मोनोजाइट, सॉल्ट एंड लीड। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये भी इंडिया में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर अ वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। मिनरल्स नेचर के वैल्यूएबल गिफ्ट हैं। दे आर फॉर्म्ड इन करोड़ ऑफ ईयर्स एंड आर लिमिटेड। इनको करोड़ों वर्षों में मिनरल्स तैयार होते हैं, इनको फॉर्म होने में करोड़ों वर्ष लगे और ये बहुत लिमिटेड हैं। मैन इज एक्सप्लोइटिंग नेचर फॉर डेवलपमेंट ड्यू टू विच क्वान्टिटी ऑफ मिनरल्स इज डिक्रीजिंग। जो इंसान है, मनुष्य जो है वो डेवलपमेंट के लिए नेचर को एक्सप्लोइट कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके जो इल इफेक्ट्स हैं ये हम 21st century के अंत तक देख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं और इनके जो इल इफेक्ट्स हैं वो 21st century के अंत तक देखे जा सकते हैं। कॉम्पिटिशन फॉर एक्सप्लोइटिंग वैल्यूएबल एंड यूजफुल मिनरल्स हैज इंक्रीज सो मच दैट वन कंट्री में इन्वेड द अदर। इम्पॉर्टेंट और यूजफुल मिनरल्स के एक्सप्लोइटेशन में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। ठीक है, नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्बिंग ड्यू टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के एक्सप्लोइटेशन की वजह से नेचुरल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वेरियस ओवर यूज ऑफ दीज मिनरल सब्सटेंसेज इंक्रीज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। जबकि इन मिनरल्स का ओवर यूज करने से, ज़्यादा यूज करने से, मिनरल सब्सटेंसेस का ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारा पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में, जो पॉल्यूशन है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल सब्सटेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मिनरल सब्सटेंसेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व किया जाना चाहिए। इसलिए हमें अपने जो भी मिनरल सब्सटेंसेस है उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना है, उनको कंजर्व करना है, सुरक्षित करना है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। Now the next is conservation of minerals. Minerals का conservation. So conservation of minerals can be done by the following methods. It means कि conservation of minerals हम following methods के through कर सकते हैं। ये भी बहुत important topic है ना। तो minerals को कैसे conserve किया जा सकता है तो देखेंगे। First, every country should realize that this wealth of nation is also for future generations. Therefore, the exploitation of minerals in the race of economic development should be limited so that a balance between man and nature is maintained. Okay, सभी countries को ये realize करना चाहिए कि ये wealth of nature future generation के लिए भी है, इसलिए economic development की race में mineral substances का exploitation limited कर दें जिससे man और nature के बीच का balance बना रहे।
ओके मैन और नेचर के बीच का बैलेंस बना रहे. ह्यूमन क्वालिटीज़ शुड नॉट बी डिटोरिएटेड ड्यू टू कॉम्पिटिशन. जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं कॉम्पिटिशन की वजह से वर्स्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब ख़राब नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो वर्स्ट नहीं होनी चाहिए. ईच कंट्री शुड ट्राई टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज मिनरल्स विद अ फीलिंग ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड. ओके, ब्रदरहुड की फीलिंग रख कर हर देश मिनरल्स के वैकल्पिक साधन तलाशे, सर्च करे. सेकेंड पॉइंट है, मटेरियल्स विच आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट शुड नॉट बी यूज्ड. ऐसे मिनरल्स जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उनका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए. थर्ड, सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स सब्सटेंसेस शुड बी सर्च ऑफ. मिनरल सब्सटेंसेस के विकल्प की खोज की जानी चाहिए. एंड द फोर्थ इज, यूएन शुड मॉनिटर द एक्सप्लोइटेशन एंड यूज ऑफ मिनरल्स बाय द कंट्रीज. यूनाइटेड नेशन हर देश द्वारा मिनरल सब्सटेंसेस के एक्सप्लोइटेशन व उपयोग पर निगरानी रखे. तो इस तरीके से हम मिनरल सब्सटेंसेस को कंजर्व कर सकते हैं. तो इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम मिनरल सब्सटेंसेस को कंजर्व कर सकते हैं.